यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं यहां इतिहास की बात करना चाहूंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के कई देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया आदि में जहां माइनॉरिटीज के लोग बड़ी संख्या में रहते थे, यहां की सरकारों ने अपने संविधानों में माइनॉरिटीज के राइट्स को इंक्लूड किया, मगर इनकी गारंटी किसने दी? दूसरे बाहर के देशों की सरकारों ने। और नतीजा क्या हुआ कि द्वितीय युद्ध के आधे आधे इन जगहों से इन माइनॉरिटीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया, मिट गए ये लोग नक्शे से। इससे एक सबक मिलता है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षा कोई बाहर वाला नहीं दे सकता, बल्कि वही बहुसंख्यक समुदाय दे सकता है जिसके बीच में ये छोटा तबका रहता है। असल में सच ये है कि अखलियत और अक्सरियत की खुशी ही नहीं, इनका अस्तित्व भी एक दूसरे पर निर्भर है। वी आर हियर नॉट जस्ट फॉर अ फॉर्मैलिटी बट फॉर अ रियल टास्क, एंड आई होप द वर्क ऑफ दिस कमिटी विल ब्रिंग कॉनकॉर्ड, एमिटी, गुडविल एंड ट्रस्ट इन प्लेस ऑफ म्यूचुअल स्ट्राइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द पॉलिटिकल स्टेज टुडे। Yeah, yeah, yeah.